हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो। तो क्या हाल है सबके, स्वागत है सब लोग का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सीक्रेट वेपन, मेरा सीक्रेट वेपन जिससे मैं हूँ बेटर वेलोरेंट। तो वो सीक्रेट वेपन क्या है तो मैं आज आपको बताऊँगा, एंड उसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड वो एम से थोड़ा हटकर है, ठीक है। तो वो सीखने के लिए आपको आज मैं स्पेसिफिक ट्रिक्स उसकी बताऊंगा कि उसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ेगी, जिससे आप भी मेरी तरह आप एम कर सकते हो वैलोरेंट, मेरी तरह आपकी गेम सेंस हो सकती है। जैसे लोग कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा एम सीखना है भाई, आप एम कैसे करते, तो बने रहिए वीडियो में। एंड लास्ट में एक मैं बोनस, दो तीन बोनस टिप्स दूंगा जो आपको और भी काम आएंगी वैलोरेंट में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हाउ टू गेट बेटर इन वैलोरेंट, लेट्स गो। तो गाइस, फर्स्ट चैप्टर है हमारा गेम सेंस। तो गेम सेंस क्या है? गेम सेंस बेसिकली है कि आपकी गेम के तरफ क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या नॉलेज है आपको गेम की, एंड क्या क्या पता है कैसे एबिलिटीज यूज करते हैं जिनसे आप एजेंट खेल रहे हैं, ठीक है। वैलोरेंट का मेन ये होता है। तो ये तीन फैक्टर आते हैं गेम सेंस में जो आपको पता होना चाहिए। तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करोगे? तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या देखना है? आपको देखना है प्रो प्लेयर्स की वार्ड, ठीक है। प्रो प्लेयर्स की जो टीम्स हैं उनकी आपको गेम प्ले देखने हैं। जैसे कि ये VCT का चैनल है, ठीक है, इनमें डालते हैं हाईलाइट्स, या वैसे लोग होते हैं जो हाईलाइट्स डालते हैं वो देख सकते हो, या लाइव जो चल रहा है, लाइव जैसे कोई मैचेस चल रहे हैं उनको चेकआउट करो, उनको देखो थोड़ा। आपको उसमें क्या एनालाइज करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहली ये वीडियो है जिसमें मैं 1v1 में हूँ, एंड मैं आपको पहले क्लिप दिखाता हूँ, ये क्लिप है। अब यहाँ पे रेना और मैं अकेले रह जाते हैं, ठीक है। अब रेना और मैं अकेले रह गए, दिख रहा है ना, रेना और मैं, ठीक है। अब रेना के पास डिसमिस आता है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। देखा, वो डिसमिस लिया उसने, उसने देखा मुझे पी करके कि मैं उधर गया, ठीक है। अब मुझे पता, उसने मुझे देख लिया और वो डिसमिस करके उधर गया। अब वो इंस्टेंटली तो पिक करेगा नहीं, मेरे पास कम से कम 2 सेकंड है कि मैं उससे बच सकता हूँ। तो मैंने अपना एंगल चेंज कर लिया, मैं उधर से इधर आ गया एकदम। देखो, मैंने चेंज कर लिया एंगल, मुझे पता है उसने मुझे उधर जाता हुआ देख लिया था। अब मुझे पता है अगर जाता हुआ देख लिया तो उसको पता है कि मैं दूसरी साइड से पिक करूँगा। अब दोबारा वहाँ से पिक नहीं करूँगा जहाँ मैं गया हूँ, मैं दूसरी साइड से पिक करूँगा। तो मैंने एंगल चेंज कर लिया, मैं इस साइड को आ गया। अब वो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मैं, वो उधर देख रहा है कि मैं उधर से निकलूँगा। यहाँ पे मैं खेल गया, यहाँ पे क्या काम आया, गेम सेंस। कि मुझे पता था कि वो इंस्टेंटली पीक नहीं करेगा, डिसमिस लेके उसने मुझे देख तो लिया कि मैं उधर गया, पर मुझे ये पता था कि वो एकदम से पीक करके वो दोबारा वहाँ पे पीक नहीं करेगा, फिर उसको लगता है कि मैं उधर चला गया लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो करेगा। ये गेम सेंस है, उसने अपना वही नॉर्मल दिमाग लगाया, उसको लगा मैं उधर हूँ एंड मैं खेल के उसके, ठीक है। अब ये क्लिप है, अब इसमें क्या होता है, 1v1 होता है, एंड तुम्हें एक और चीज़ देखनी पड़ती है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, इसको क्लिप को आगे जान। अब देखना, ये मार दिया, अब 1v2 है, अब ये मार दिया, टाइम देखो। अब तुम्हें क्या क्या नोटिस करना है यहाँ पे जब 1v1 है, सबसे पहले तो टाइम कितना है मेरे पास है, 1:11, ठीक है, 1:11। एक मिनट में तो मैप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे टाइम कितना है, 1:11 और 1v1 है, ठीक है। टाइम मेरे पास बहुत है, और स्पाइक देखो कहाँ है, स्पाइक है अंडर हेवन। अब उसके हिसाब से मैं स्पाइक उठा के प्लांट करूँगा, उसके हिसाब से भी ये मतलब नो गेम सेंस वाला ट्रिक, पर मुझे पता है मेरे पास टाइम है तो मैं खेल सकता हूँ दिमाग से। मैं अब देखो मैं क्या करता हूँ, वो है हेवन, मुझे पता चल चुका है वो हेवन है, ठीक है, मुझे ऑलरेडी पता है वो हेवन है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, देखो वो सारे बता रहे हैं मुझे कि हेवन है वो। अब मैं पूरा घूम के जा रहा हूँ पीछे से, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि मैं, एक तो मैंने स्पाइक नहीं उठाया, उसको पता है मैं स्पाइक उठाने आऊँगा, एंड मैं फीनिक्स को मार के मैं वहाँ से दिखा भी नहीं था उसे, मैं निकल गया था, एकदम से निकल गया, क्योंकि वो एकदम से पीक नहीं करेगा, वही चीज़ आ गई ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि ओपोनेंट पीक का, अगर उसने एकदम से किल निकाल लिया ना, वो एकदम से पीक तो नहीं करेगा, 90% ऑफ द टाइम वो एकदम से पीक नहीं करेगा, वो थोड़ा वेट करेगा फिर पीक करेगा। अब वो जब वेट कर रहा है ना, उस टाइम पे आपने अपना दिमाग चलाना है कि मैं उस एंगल से निकल जाऊँ जिस एंगल को वो देखेगा पहले। अब मैं उस एंगल से तभी के तभी निकल गया, एंड वो उस एंगल पे आया, उसने देखा नहीं मुझे, क्या आऊँगा एंड उसको ऑफ गार्ड मार दूंगा। अब देखो, और देख वो यहीं रहा था,
लेकिन वो तब भी कंफ्यूज था कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तभी वो गोली नहीं चला पाया क्योंकि कंफ्यूज था वहाँ पे, पर मैंने वहाँ पे निकाल लिया, तभी भी पिक कर सकता तो वो कंफ्यूज था जो। तो बेसिकली इनमें क्या ट्रिक थी, इसमें ट्रिक ये थी कि जब ओपोनेंट एक प्लेयर मार देता है ठीक है, तो इंस्टेंटली पिक नहीं करता, तो तुम्हें उसका जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे निकलना होता है, उससे निकल के तुम दूसरी साइड चल जाओ पहले। तो ये यहाँ पे ये काम आता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही निकल जाओ वहाँ से, ताकि वो जब पिक करे तो वो एक्सपेक्ट ही ना करे कि तुम वहाँ से निकल गए। तो वो तुम्हें यहाँ पे, यहाँ से तुम्हें दोनों क्लिप से, पहली और दूसरी क्लिप से ये समझ आता है ठीक है। और एक और चीज़ है, टाइम को हमेशा देखो, जब वन वी, जब तुम अकेले हो ना, या टू वी कुछ, टू वी फोर है, टू वी फाइव है, तब टाइम को देखो। जब तक जब तुम टाइम देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है ठीक है। तो ये दो क्लिप में ये था। तीसरी एक और क्लिप, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुम्हारे पास ऑपरेटर है, जैसे मेरे पास ऑपरेटर है, मैं जेट खेल रहा हूँ एंड 1v3 होता है ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं, मुझे पोजीशन किसी की नहीं पता, ओमन को मैंने मार दिया ठीक है, पोजीशन मुझे किसी की नहीं पता, मुझे सिर्फ चैम्बर की पोजीशन पता चलती है और मुझे जेट की नहीं पता चलती ठीक है। तो अभी चैम्बर मार देता है हमारे ब्रिज को ठीक है, चैम्बर ने हमारे ब्रिज को मार दिया एंड अभी मारेगा, देखो मार दिया। अब मैं इनसे पूछता हूँ चैम्बर कहाँ पर है, नीचे है कि ऊपर है ठीक है, क्योंकि चैम्बर वहाँ से मुझे ऑफ लगाएगा सिटी भी, ये तो गारंटी है ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर से अग्रेसिव पीक लेते हैं लोग, तो उसने वहाँ पे मेरे सिटी पे ऑपरेटर लगा रखी है, मुझे पता है ये, पर मुझे ये नहीं पता ऊपर है कि नीचे है। तो फ्रेंड्स ने बता दिया जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ कि वो नीचे खड़ा है, ऑपरेटर लगा रखे हैं। अब मुझे जेट की इन्फो नहीं है, तो मुझे थोड़ी देर वेट करना है कि जेट की मुझे इन्फो पता चले। अब क्या, अब इन्होंने बता दिया नीचे था, अब वो जेट पीक करके ना फायरिंग करता है, मुझे पता चलता है वो राइट में है। देखो इन्होंने फायर किया, ये जेट ने फायर किया, मुझे पता चल गया। अब मुझे ये पता है वो ऑपरेटर से क्लोज लगा के बैठा है, पहले मैं उसको मारूंगा क्योंकि जेट पीक नहीं करे, जेट कर रहा है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो। उसने एक गोली चलाई, क्यों चलाई, उसको अपनी पोजीशन क्यों बतानी थी, इसलिए बतानी थी उसको लगे कि वो मेरे को देखे एंड चैम्बर मुझे मार दे। लेकिन मुझे पता है कि चैम्बर को मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि वो जेट पीक नहीं कर, जेट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, वो पीक करेगा ही नहीं, तो चैम्बर क्योंकि पीक लगाए बैठा। अब मैं उसको मारूंगा चैम्बर को, यहाँ पे चैम्बर मर गया। अब जेट था यहाँ पे ठीक है, अब जेट वहाँ से पीक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको लगता है कि मुझे उसको लगता है कि मैं उसी उस तरफ को पीक करूँगा क्योंकि वो लास्ट मुझे वहाँ देखा था। पर मैं यहाँ पर दिमाग चलाता हूँ कि वो दोबारा वहाँ से पीक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ऑपरेटर है, तो दोबारा वहाँ से पीक नहीं करेगा। तो मैं दूसरा एंगल पकड़ लेता हूँ यहाँ से, देखना, अब मुझे पता है यहाँ से पीक नहीं करेगा, एक सेकंड देखा, अब मैंने ये एंगल पकड़ लिया, अब मुझे पता है यहाँ से पीक करेगा, मैं निकाल। तो यहाँ पे गेम सेंस आई कि पहले तो अगर तुम्हारे पास ऑपरेटर है या ओपोनेंट के पास ऑपरेटर है, तो ओपोनेंट अगर अग्रेसिव खेल रहा है तो वो ऑपरेटर से वहीं से पीक लेगा, वो कम चांस है कि वो पीछे जाए, वो वहीं से ही पीक लेगा, ये गारंटी। अगर ओपोनेंट का एक और दो प्लेयर है और एक के पास मेंटल एक के पास ऑपरेटर है, तो एक प्लेयर अगर वहां से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि ऑपरेटर दूसरे एंगल से पीक कर रहा है ठीक है, ये तुम्हें समझना है यहाँ पे। देखो इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं काम आएगी, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम्हें टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम्हें देखना है, यहाँ पे तुम्हें ट्राई कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ देखना है तुम्हें। तुम थोड़ा बहुत भी देखोगे ना, तुम लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखोगे, जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीम वगैरह देखो, अभी जो चल रहे हैं उनकी लाइव स्ट्रीम्स देखो, उनको देखो कि वो कैसे भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिटिव में जब तक यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक नहीं तुमसे होगा, तुम्हें कॉम्पिटिटिव में यूज़ करनी पड़ेगी वो स्ट्रैटेजी। अब एक फाइनल क्लिप जिसमें 1v5 निकालता हूँ मैं ठीक है, वो आपको दिखाऊंगा, एज और मैं रह जाएंगे। अब मैं ब्रिज को मारता हूँ उससे पहले ठीक है, अब मेरे पास आ गई स्पेक्टर और हमारा बोनस नहीं, हमारा सेव राउंड है, सेकंड राउंड है, हम हार गए थे फर्स्ट राउंड, अब सबके पास क्लासेज है, किसी अब कोई करनी है, किसी के पास कोई करनी है हमारे। अब 2v4 है ठीक है, 2v4 है, टाइम देखो टाइम कितना है, 55 सेकेंड, ऑलमोस्ट सेम एक मिनट। अगर आपके पास एक मिनट है या 50 सेकेंड है, तब आपको हाई करने की जरूरत नहीं कि आप हाँ भाग के प्लांट कर दो, अगर आप प्लांट कर दोगे ना तो नहीं निकलेगा वो राउंड, 80% चांस है कि आप वो राउंड हार जाओगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले पिक्स निकाल लो, कम से कम 20 सेकेंड जब तक नहीं रहते ना, 20 सेकेंड तब तक पिक्स निकालने आपने, और किसी एक साइड के आसपास रहना ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है जेट गैराज पिक किया था लास्ट राउंड, मैंने मैप में देखा था ठीक है कि जेट ने गैराज पिक किया था एंड हमारा एक बंदा मार था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो गैराज पिक दोबारा करेगा, टरेट उसका वो हो गया, मैंने एक्सपेक्ट ही किया था। अब देखना,
अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखना, अब ना जेट करेगा यहाँ पे स्मोक, स्मोक करेगा देख, अब स्मोक करा, अब यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली है, अब उसने स्मोक किया, तो जब स्मोक होता है ना, कोई भी स्मोक हो तो बंदा हर बारी कॉर्नर से पीक करता है, बीच में से कभी नहीं निकलता, कॉर्नर से पीक करता है, या वो लेफ्ट कॉर्नर से निकलता या वो राइट कॉर्नर, और यहाँ पे क्या लेफ्ट से निकलेगा, राइट से कैसे निकलेगा, क्योंकि वो एंगल ही वैसा है वहाँ पे डोर, यहाँ 99% ऑफ द टाइम बीच में से नहीं निकलता बंदा, मैं निकलता हूँ बीच में से, मुझे पता है मैं निकलता हूँ बीच में से, क्योंकि मुझे पता है कि वो बीच में से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं बीच में से निकल जाता हूँ। तो वो टाइमिंग तुम्हें वही प्रिडिक्शन लगानी पड़ती है, मैं प्रिडिक्शन लगाता रहता हूँ हर राउंड पे, हर सिचुएशन पे प्रिडिक्शन लगाता हूँ जिसमें मैं काम करता हूँ एंड जिससे राउंड निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉर्नर को पकड़ रखा है क्योंकि मुझे पता है एक नॉर्मल बंदा कॉर्नर से ही पी करेगा और बीच में से आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल बंदे को डर होता है, लेकिन मेरे में डर नहीं है, मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस है मैं बीच में से निकल जाता हूँ, पर नॉर्मली बंदा कोने से निकलता है, अभी कोने से निकलेगा देखो, ये निकले, ठीक है। ये थी प्रिडिक्शन कि स्मोक अगर है तो यहाँ पे आपको नोट करना है, अगर स्मोक है तो हमेशा बंदा कॉर्नर से निकल सकता है। अब ये हो गया, अब क्या अगर 2v2 हो गया, अब 2v2 हो गया कि एक उसने पिक निकाल लिया हमारे केजे ने एक, अब मेरे टीममेट कह रहे हैं कि केजे सी पर है, ठीक है। अब यहाँ पे एम डिप हो जाता है इनडायरेक्टली, अब उनको लगेगा कि मेज एंक की ए पे हमारा पिक निकल चुका है, तो केजे रोटेशन करने लगता है, तो मैं उनको टीम वालों को कहता हूँ थोड़ा रुक जाओ मैं सी पे पिक निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि वो सी पे रोटेशन देगा, या मैं उसको मार दूंगा, मार दिया पर ऑफ कोर्स यहाँ पे एम डिप हो गया, यहाँ पे मैं एम, मेरा एम में मुझे कॉन्फिडेंस था और मैंने मार दिया वहाँ पे क्लीन उसे, उसके पास बुलडॉग थी वो तब भी हंस गया। अब मैं प्लांट करूँगा क्योंकि मुझे पता है ओमन यहाँ पे नहीं है, मैंने प्लांट कर दिया, वो स्केप हो गई क्योंकि ये मैंने वैसे बना रखी है, तो स्केप हो गई, मैंने प्लांट कर दिया, मैं लॉन्ग आ गया और केजे को गैराज बिठा दिया। एंड अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब यहाँ पे ओमन करता है स्मोक, ठीक है, ओमन ने कर दिया स्मोक, अब वही है उसको पता है स्मोक से पिक करूंगा, लेकिन मेरे पास केजे था डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो वही है, अब उसने वही है केजे डिस्ट्रैक्शन कर रहा था वहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप ओमन होते ना तो आपको केजे को नहीं देखना था, क्योंकि केजे क्या कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था, समझ रहे हो, केजे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा था। अब वो कैसे करता, जंप स्पॉट कर रहा था, फायरिंग कर रहा था वहाँ से ऐसी रैंडमली, तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। हमेशा इस चीज़ को आपने डिस्ट्रैक्शन ही समझनी है, इसका मतलब कहीं और से पीक आने वाला है। यही चीज़ हमने की, ये नॉर्मल चीज़ होती है पर हर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाता, जैसे मैं कर पाता हूँ वैसे हर कोई नहीं कर पाता कि हाँ वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो हमारा बेसिकली यहीं पर ये प्लान था, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है एंड जैसे वो टैप करता हम पीक कर देते हैं, टैप किया मैंने पीक किया, वो उधर देख रहा है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, तो वो उधर देख रहा है, मैंने यहाँ से उसको मार दिया एंड ईजिली 4k निकल के और हमारा सेव राउंड था एंड ईजी हमारा राउंड निकला। तो यहाँ उनका हो गया जी, जैसा कि उसने लिख दिया। ये था हमारा मेन गेम सेंस का चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया कि अबिलिटी यूजेज और नॉलेज आती है, जिसमें आप जिसको आपको सिर्फ वर्ड देख के ही समझ आएगा, वो उसमें मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता कि वो कैसे यूज करनी है, क्योंकि वो हर एक एजेंट की अलग होती है एंड हर एजेंट की अलग टाइम पे यूज होती है। तो आपको गेम सेंस के लिए मेनली आपको वर्ड देखने पड़ेंगे एंड आपको यहाँ पे हमने मैंने मेन ट्रिक्स बता दी, फिर से रिकैप कर दी। जो फर्स्ट टू वीडियोज थी उसमें सबसे पहली चीज़ जो आप देखना है वो होता है टाइम, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें थी कि आप जब ओपोनेंट का प्लेयर आपका एक टीममेट मार रहा है या आपको पता है उसकी इन्फो कहाँ पर है, तो जैसे ही वो उसको मार रहा है आप उसी एंगल से पास आउट हो जाओ, ठीक है, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले एंगल आएगा ना जहाँ पे वो है वहाँ से उस एंगल से ही पास आउट हो जाओ आप उसी एंगल से, या फिर वो आपके एम पे आएगा या फिर आप उससे पास आउट होके ऑफ एंगल पकड़ लोगे, समझ, ऑफ एंगल अगर आपने पकड़ लिया तो 99% चांस है कि आप वो राउंड निकाल लोगे, 1% चांस वो हो जाता है कि वो प्रिडिक्शन लगा लेता है कि हाँ वो शायद पास आउट हो गया, लेकिन नहीं लगाते ब्रो, कॉम्पिटिटिव में इतना दिमाग नहीं लगाते, आपका बहुत इजी राउंड हो जाएगा। अगर आप 1 HP भी हो ना तो वहाँ पे यही चीज़ स्ट्रैटेजी काम आती है सारी, कि आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं लो था लेकिन तब भी मैंने 4 kill निकाल लिया, मैं 40 HP पे 4 kill निकाल लिया और केजे ने मुझे लो किया था तब भी मैं ओमन को मार दिया। तो यहाँ क्या काम आता है, कॉन्फिडेंस और गेम सेंस और अंडरस्टैंडिंग कि आपको कैसे उस सिचुएशन को एग्जीक्यूट करना है, कैसे उससे बचना है, कैसे उसे निकालना है, ठीक है। या दो बंदे हैं मान लो, ऑपरेटर भी क्या दो बंदे हैं एंड अगर एक बंदा जंप स्पॉट कर रहा है या फायरिंग कर रहा है तो इसका मतलब वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट साइड पे एक बंदा ऑलरेडी बैठा है जो आप पे एक एंगल लगा के बैठा है एंड आपको उसको पहले मारना है, क्योंकि वो जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है वो पीक नहीं करेगा,
1v5 में मेन सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको देखना है टाइम कितना है। अगर 50 सेकंड एक मिनट से ज़्यादा टाइम है तो आपको प्लांट नहीं करना है। सबसे पहले आपको पिक्स निकालने हैं 20 सेकंड तक पिक्स निकालने हैं। एंड जब वो पिक्स हो जाएंगे 20 सेकंड तक अगर पिक्स नहीं निकले तो प्लांट कर दो, वो जरूरी नहीं कि राउंड निकले। लेकिन 20 सेकंड तक आपने ट्राई तो किया कम से कम पूरा टाइम, तभी ये टाइम होता है ना आपको पूरा यूटिलाइज करना पड़ता है। एंड कोई टेक्निक लगा के जोन साइज आप खेल लो उससे टेक्निक निकाल के आपको पिक्स निकालने पड़ते हैं, आपको थोड़ा अग्रेस करना पड़ता है, आपको शिफ्ट वॉक करके स्लोली किसी एंगल से जाना पड़ता है, आपको जो शुरू में जो जो सिचुएशंस हुई हैं कौन सी यूटिलिटी ब्रेक हुई है, कौन से एजेंट कहाँ पे था, मान लो केजे खेल रहा है उसकी कोई यूटिलिटी ब्रेक हो रखी है वहाँ से, तो वहाँ से चले जाओ या फिर है ना, तो वहाँ से वो एक्सपेक्ट कम करेंगे, या फिर कहीं से पुश हुआ था इसका मतलब वो साइड क्लियर हो गया और वहाँ पे फिर वो रोटेट करेंगे। अगर हमने पुश वाले खेल निकाल दिया जैसे केजे ने ए पे सुबह खेल निकाला तो वो ए पे रोटेट कर रहे थे जैसे केजे कर रहा था, केजे को मैंने निकाल लिया, तो वो सिचुएशन आती हैं। तो ये 1v5 की सिचुएशन ऐसे निकाल, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी गेम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गेम सेंस का चैप्टर होता है क्लोज। तो चैप्टर 1 के लिए इतना ही, चैप्टर 2 के लिए अगली वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ को समझाया। आप इस पर अब थोड़ा काम करो अपने गेम सेंस पे। जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। चैप्टर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आप एम कैसा कर सकते हो मेरे साथ, उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक है हमारा 50 का, तो प्लीज़ यार 50 लाइक तो कर दो यार, 50 लाइक कर दो। कमेंट में आप मुझे बता दो कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई। अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में दोबारा समझनी है आप मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो जो मैं आफ्टरनून में मोस्टली करता हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो यार वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी मैं निकालूंगा दूसरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।